सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत दिन के बाद आज फिर से कैमरे के सामने सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज यू गाइस नो कि की प्रिपरेशन फिर से कर रही है मैंने कभी स्किप नहीं किया था बट हाँ डेडिकेटेडली बहुत दिन नहीं किया था तो अभी मैं सीजीएल के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर, कर रही हूँ रेगुलर मॉक थी रही हूँ स्कूल भी के साथ मेरे कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर रही हूँ तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं थे ऑलरेडी नो कि मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है मेरा मैथ में स्कूल उतना खास नहीं आता था अराउंड थर्टी टू तो थर्टी फाइव इस रेंज में ही आता था मोस्ट ऑफ द टाइम बट अभी क्या है ना अभी जो रिसेंट रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट वगैरह वो लोग देख रहे तो बहुत मुझे कमेंट्स आए थे कि मैथ में इतना इतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी बट थोड़ा सा जो इंक्रीज हुआ है आ, दस बारा नंबर के वो कैसे हुआ है ये कुछ पुराने नंबर हैं एंड ये कुछ रिसेंट मार्क्स के नंबर हैं आप डिफरेंस देख सकते हो बट उतना नहीं बहुत लोगों की मैथ स्ट्रॉन्ग है फुल मार्क्स आते हैं बट ऑनेस्टली मेरे कभी मैथ में फुल मार्क्स नहीं ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है बस मैंने दो तीन चीज़ें फॉलो किया वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका मैथ ऑलरेडी स्ट्रांग है ये मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका वीक है एंड वो अपना ग्रो करना चाहते हैं मैथ में इसको इस वीडियो के लिए आउट दिस वीक मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले एज यू कैन सी देयर सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस सो माई फर्स्ट पॉइंट इज पी आई क्यू प्रैक्टिस आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस आई एम एजूमिंग के सबके सिलेबस मोडल खत्म हो चुका है तभी आप लोग मॉक्स के बारे में बात कर रहे हो अगर आपके फुल सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स हुआ है तो वो कुछ चैप्टर्स के चैप्टर टेस्ट देख सकते हो टेक्स्ट बुक से बट पहले सिलेबस कम्प्लीट करो दिन फुल मॉक्स अटेंड करना तो आई एम एजूमिंग के सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है सबका आप पेड वेड से करो या फिर यूट्यूब से करो सारे टीचर्स ऑलमोस्ट पी आई क्यूज के क्वेश्चन करवाते हैं अगर आप सीजीएल टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट लास्ट थ्री ईयर्स का आपका सीजीएल सी एच एस एन इन डे तीन एग्जाम का पूरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कम्प्लीट होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई क्यूज के उसके सारे क्वेश्चन अटेंट करो बट अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है सिर्फ वही अटेंड करो एंड अच्छा सा एक नोट बनाओ ताकि एग्जाम के पहले या फिर अगर कभी देखना है चेक करना है तो सिर्फ वही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो बीट पी आई क्यूज और मॉक्स का भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप इस पर वो डाउट भेज सकते हो ये ओपन चैट ग्रुप है वहाँ पे बहुत एक्टिव लोग हैं सिलेक्टेड लोग भी हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आप वहाँ पर अपना डाउट भेज सकते हो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो इफ यू यू वांट कैन चेक दैट आउट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप बुक से कर रहे हो तो ठीक है बट इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना जरूरी है क्योंकि विद इन टाइम आप कितने आंसर करते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट रखना चाहिए अगर क्वेश्चन ऑलरेडी नोन है तो भी आप ये चीज फॉलो करो ताकि आपको इन टाइम करने की एक बना रहे सो दिस फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस।

एग्जाम में या फिर फुल टेस्ट में बट यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट में आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ मिलता है ट्वेंटी मिनट्स एंड यहाँ पे पी आई क्यूज का कंपेरिजन में जो मैथ्स होता है वो ज्यादा कैलकुलेटिव होता है टफ होता है एंड टाइम टेकिंग होता है तो सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड इंक्रीज होता है एंड आपका मैथ्स भी स्ट्रॉग होता है दीज आर सम ऑफ माई सेक्शनल टेस्ट स्कोर ये स्कोर देखे डोंट फील डी मोटिवेटेड ये मेरा फास्ट अटैम्प्ट का स्कोर है एंड दो तीन अटैम्प्ट देने के बाद आप भी मेरे तरह ट्वेंटी मिनट्स में एटलीस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन कर सकते हैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगा डिफरेंट लगे वो आप वहाँ पर नोट कर सकते हो जस्ट लाइक like ये जो मेरा अभी करंट का है तो मैं ये स्क्रीन पर पे दे दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा तो ऐसे आप कर सकते हो ये सारे एक्सनल टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा आंसर है टेस्ट बुक इट्स नॉट जस्ट फॉर द प्रमोशन बट एक्चुअली सारे सेक्शनल टेस्ट मुझे काफी हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट बुक इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर मॉक्स जहाँ पे आप हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो जस्ट लाइक एस रेलवे बैंकिंग यूपीएससी पी एस स्टेट एग्जाम हर टाइप का एग्जाम का हर टाइप का आपको मॉक मिल जाता है बेच फुल मॉर्क मिनिमार्क्स से आपका टेस्ट भी आई मॉक्स सेक्शनल टेस्ट एंड मिनी मोट अगर मैं डेडिकेटली एस एस सी के बारे में बात करें तो एस एस सी के प्रिपरेशन में मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक्स टेक्स्ट बुक का ही दिया है एंड टेस्ट बुक काफी हेल्पफुल रहा है मेरे अपने प्रिपरेशन में टेस्ट बुक पे अभी एक ऑफर चल रहा है टिल बाईस फेब्रवरी जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक यानी पास फोर् मिलेगा सिर्फ थ्री फिफ्टी वन रुपीज में बट अभी जो सबसे खास बात है वो है लाइफ टाइम ऑफर रिलेटेड टेस्ट बुक में अभी आपको लाइफ टाइम पास के ऑफर मिलेगा सिर्फ फोर एटी थ्री में एंड इन एडिशन टू दिस अगर आप मेरे कपन कोड बिंदु यूज़ करोगे आपको मिलेगा तीन नहीं टेल्व परसेंट डिस्काउंट ऑन इट। सो अगर आप टेस्ट बुक से कोई पास बाय करने की सोच रहे हो तो आप इस टाइम के अंदर कर सकते हो इसका जो पर्चेस लिंक है वो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो आप बैक टू तो द मेन पॉइंट और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इस रूल बुक आप साथ ऑलवेज एक रूल बुक रखो बीट हैंडमेड और परचेज जो फ्री मार्केट में बहुत सारे रूल बुक अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल गगन सर का है एंड आदित्य सर का भी है तो आप कोई भी एक रूल बुक फॉलो कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आप ख़ुद का भी रूल बुक बना सकते हो क्योंकि जो चीज़ आप खुद लिखोगे वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास भी ऐसा एक हैंडमेड रूल बुक है जो मैंने बहुत टाइम से थोड़ा थोड़ा करके लिखे रखा है ऐसे नहीं कि ये सारे रूस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऑब्वियसली नहीं अब जिस भी टीचर से पढ़े हो उसने करवाया है डेफ़िनेटली बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो आप डायरेक्टली मॉक से सीखते हो एंड वो आपको ध्यान में रखना चाहिए नोट करके रखना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे हैंडल करना है शॉर्ट ट्रिक्स आपको कहाँ पर लगाना है ये सारी चीज़ आपको कोई टीचर चाह भी नहीं सिखा सकते ये अपने ऊपर है अगर आप किसी भी सेट प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी क्वेश्चन पर अटक गए हो हालांकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको जिस टीचर ने करवाया है वहाँ पर है तो मैं बोलूँगी कि वो क्वेश्चन आप फिर से नोट करके रखो कोई शॉर्ट अप्रोच अगर यूज़ हुआ है तो वो आप अलग से नोट करके रखो अपना जो रूल बुक है वहाँ पे क्योंकि एग्जाम के पहले दिन तो आप सब कुछ रिविजन नहीं कर सकते सिर्फ जो जो, जो चीजें आपको अटक गए हैं जो जो, जो चीज आपको डिफरेंट लगे सिर्फ अगर आप वही चीज देखो तो वो जरूर आपको हेल्प कर सकते हैं तो यही था मेरा कुछ टिप्स और पॉइंट्स कैसे मैं मैथ में एक वीक स्टूडेंट से लिखे अभी मैथ में एक, एक एवरेज स्टूडेंट कह सकती हूँ खुद को फर्स्ट इज पी आईक्यूज प्रैक्टिस सेकेंड इज सेक्शनल टेस्ट अटेंड करना ज्यादा से ज्यादा एंड थर्ड इज कोई भी मैथ प्रैक्टिस करते टाइम जो भी आपको न्यू रूल लगे न्यू टेक्निक लगे वो आप जल्दी से नोट करके रखो तो यही था तीन टेक्निक आई थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन सो इफ यस दिन टू लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जल्दी से आपसे मिलती हुई एक नेक्स्ट अग्ड के साथ